नौलखान मंदिर देवघर, जो कि देवघर से 2 किलोमीटर दूर है। ऑटो से आए अभी, अब हम लोग उतरे इसी ऑटो से, पीछे जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा नौलखा मंदिर, और कब बना, किसने बनवाया, सारा जानकारी दूंगा। और भी इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं नौलखा मंदिर है। अभी एंट्री मारूंगा हम लोग, जो कि 9 लाख रुपये में बना था इसलिए नौलखा नाम पड़ा। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर है, बहुत नौलखा मंदिर तो है, सारा कितना जगह है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध यही है नौलखा मंदिर देवघर में, जो कि देवघर से 2 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर दृश्य है दोस्तों, बहुत देख लीजिए दोस्तों, पूरा नज़ारा दिखाऊंगा आप लोगों को। वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। बना था दोस्तों, यह दूंगा दोस्तों आप लोगों को, पहले वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। देख लीजिए दोस्तों मंदिर के नजारा, रात में अंदर में शायद मोबाइल नॉट अलाउड है दोस्तों, नहीं लेने देता दोस्तों, फोटो तो नहीं खींचने देता है, फिर भी देखूंगा कैसे क्या होता है। देख लीजिए दोस्तों कितना भयानक, कितना सुंदर के अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं है, फिर भी लेकर चलता हूँ आपको। नौलखा मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की 2 मूर्तियाँ हैं, और नौलखा मंदिर का निर्माण 1940 में हुआ था दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कोलकाता के एक पुथुरिया घाट के रानी चारुशीला ने अपने पति और बेटे के मरने के दुख में, वो अपने शांति के खोज में यहाँ निकल पड़े थे, तो यहीं पे अपना गुरु से मुलाकात हुआ, 1 लाख रुपये का दान देकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि 9 लाख रुपये में बना था, इसलिए नौलखा मंदिर। देख लीजिए दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, बड़ी मार मारता है। मंदिर के अंदर में राधा कृष्ण की 2 मूर्तियां भी लगी हुई है, स्थापित किया गया है। देख लीजिए दोस्तों ये पीछे का नजारा है, फोटो खींचना सख्त मना है, फिर भी हम रिक्स लेकर वीडियो बना रहे हैं, नहीं मोबाइल छीन लेता है दोस्तों। ये पीछे का नज़ारा है, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। कोलकाता का इंजीनियर ने बनाया था दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए और देखे देखिए दोस्तों फोटो। हेलो गाइज, हम लोग अब जा रहे हैं बाहर, मंदिर का दर्शन कर लिए और करवा भी दिए आप लोगों को। देख लीजिए दोस्तों बहुत ही सुंदर, यह पेंट उंट नहीं हुआ है दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे पेंट उंट हुआ है, पेंट उंट नहीं हुआ है, यह ऐसे ही बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है बहुत। कभी आए तो नौलखा मंदिर जरूर आए, देवघर आए तो जा रहा हूँ। अगर हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, और बेल आइकन घंटी को दबा दे, ऑल हुई कर दीजिएगा।